केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार का अंतरिम बजट था, लेकिन इसमें किसी भी वर्ग के लिए कुछ खास नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य वर्ग को सरकार से उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। रेलवे, पर्यटक जैसे क्षेत्र के लिए कुछ खास इस बजट में नहीं देखने को मिला है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शुक्रवार पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रदेश में आपदा आई और केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है। बजट में केंद्र सरकार को अलग से हिमाचल के लिए प्रावधान करना चाहिए था। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल की उम्मीदों के मुताबिक ये बजट निराशाजनक ही साबित हुआ है। इनफैक्ट अंतरिम बजट जो चुनाव से पहले कल भारत सरकार का पेश किया गया, उसमें जो हमारी उम्मीदें थी सरकार की, हिमाचल प्रदेश की या लोगों की, प्रदेश की, हमें लगता उस बात पे खरा नहीं। एज यूजुअल बजट हर साल पेश करती हैं सरकारें, अब ये केवल आंकड़ा हो गया। योजनाएं हमेशा लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक वर्ष में योजनाएं आगे नहीं बढ़ती हैं। और ख़ास तौर पे हमको उम्मीद थी कि जो आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ और उसके 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान के हमने सारे जो कागज़ थे वो भारत सरकार को सौंपे थे, और हमें लगता था कि उसके एवज में हमें भारत सरकार को विशेष पैकेज के तौर पे कुछ हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद होनी चाहिए। एज यूजुअल इस बजट में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, और वैसे भी ये अंतरिम बजट है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। मध्य वर्ग के जो लोग हैं जिनको उम्मीद थी कि हमको सैलरीड पर्सन है इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिलेगा, वो भी नहीं मिला, और कोई ख़ास योजनाएँ भी हमको जो है रेलवे की बात करें या और दूसरे क्षेत्र में करें, टूरिज़्म के क्षेत्र में करें, तो कोई बड़ी बात इस बजट में नहीं। और प्रदेश की बात करें या देश के लोगों को जो एक उम्मीद थी, ये एक बड़ी दूर की बात है इसमें कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम इन्वेस्ट करेंगे, तो लगातार आगे बढ़ना है समय के साथ, तो एक निराशाजनक रहा। जिस प्रकार की उम्मीद हमें थी कि हमें कुछ आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ उसकी कुछ स्पेशल पैकेज के तौर पर जो राहत मिलने की उम्मीद थी, उस पर भी ये हमें निराशा ही इस बजट से।